नमस्कार दोस्तों, टूरिज्म इंडिया, घूमो इंडिया, रोमांचक इंडिया के इस सफर में आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान, टूरिज्म इंडिया, घूमो इंडिया, रोमांचक इंडिया के इस सफर में आज चलते हैं एक ऐसे हिल स्टेशन की सैर पर जहां आनंद लेते हैं बर्फबारी का, आनंद लेते हैं हिमालय की गोद में रचे बसे परिवेश का। जी हां, यानी जीवन का आनंद लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं, एक ऐसे हिल स्टेशन की सैर करते हैं। जी हां, इसके लिए आज चलते हैं उत्तराखंड। जी हां, उत्तराखंड यानी देवभूमि। हिमालय की गोद में रचा बसा यहाँ कई हिल स्टेशन हैं, लेकिन उनमें से सबसे खास है औली। औली हिल स्टेशन दुनिया के शीर्ष एवं बेहतरीन स्कीइंग स्थलों में से एक है। हिमालय की गोद में रचा बसा औली हिल स्टेशन खास है क्योंकि यहाँ पर्यटकों को बर्फबारी का भरपूर आनंद मिलता है, तो वहीं पर्यावरण और प्राकृतिक परिवेश का भरपूर आनंद मिलता है। समुद्र तल से करीब 8,200 फुट की ऊंचाई पर स्थित औली हिल स्टेशन मौज मस्ती का श्रेष्ठतम स्थान है। वहीं यह हिल स्टेशन एरिया धर्म अध्यात्म का भी श्रेष्ठ केंद्र है। बद्रीनाथ एवं केदारनाथ धाम इसी क्षेत्र में विद्यमान है। हिमालय के पर्वतों से आच्छादित औली हिल स्टेशन घास के खुशनुमा मैदानों के लिए खास तौर से दुनिया भर में प्रसिद्ध है। औली को अल्ली एवं बग्याल के नाम से भी जाना और पहचाना जाता है। उत्तराखंड के चमोली जिला के तहत आने वाले औली हिल स्टेशन प्राकृतिक संपदाओं से अति समृद्ध है। स्थानीय भाषा गढ़वाली में औली का आशय घास का मैदान होता है। औली हिल स्टेशन एरिया में प्रवेश करते ही एहसास होता है कि जैसे स्वर्ग धरती पर साक्षात उतर आया हो। नरम मखमली घास, बर्फ की चादर से ढके पर्वत, झीलों में शांत बहता जल, शीतल हवा के झोंके मन तन को प्रफुल्लित एवं पुलकित कर देते हैं। आक एवं शंकुधारी पेड़ पौधे से आच्छादित वन क्षेत्र पर्यावरण को अत्यधिक समृद्धशाली बनाते हैं। औली हिल स्टेशन में चौतरफा कहीं भी निगाह डालें तो मुस्कुराता हिमालय पर्यटकों का, आगंतुकों का स्वागत करते दिखता है। हिमालय की चोटियां पर्यटकों को जोशीला बनाती हैं, तो वहीं भरपूर आनंद देती हैं। स्कीइंग के लिए औली हिल स्टेशन बेहतरीन एरिया है। खास यह है कि पेशेवर स्कीयर्स एवं नौसिखिया स्कीयर्स समान तौर पर यहां दिखते हैं। पर्यटक स्कीइंग का शौक पूरा करने के लिए आसानी से इस इलाके में अपना शौक पूरा कर सकते हैं। उत्तराखंड पर्यटन विभाग औली में निरंतर शीतकालीन खेलों का आयोजन करता है। औली हिल स्टेशन में केबल कार के भरपूर मजे लिए जा सकते हैं। केबल कार की सवारी करना पर्यटकों के लिए किसी रोमांच से कम नहीं होता। विशेषज्ञों की माने तो औली हिल स्टेशन एशिया में सबसे बड़ा रोपवे रखने वाला केंद्र है, यानी औली हिल स्टेशन एरिया में सबसे बड़ा रोपवे सवारी का केंद्र है। रोपवे की सवारी का आनंद लेते हुए पर्यटक नंदा देवी, त्रिशूल पीक, द्रोण पर्वत आदि की सुंदरता का भी दृश्यावलोकन कर सकते हैं, उनको निहार सकते हैं। औली हिल स्टेशन यानी गर्मी में भी सर्दी का एहसास। जी हाँ, सुखद, रोमांचक एवं ताजगी देने वाला औली हिल स्टेशन सर्दियों में यात्रा के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। कारण, सर्दियों में
हिमालय की शीर्ष चोटियों से लेकर घास के विशाल मैदान तक बर्फबारी से ढके दिखते हैं। यह पल बेहद रोमांचक होते हैं। बर्फ की ओढ़नी ओढ़े हिमालय की पर्वत श्रृंखला एक अनोखा रोमांच पैदा करती है। सुंदर पहाड़ों की यह श्रृंखला साहसी पर्वतारोहियों, प्रकृति प्रेमियों, शांति चाहने वालों, पर्यटकों, नवविवाहित जोड़ों को हनीमून के लिए खास तौर से आकर्षित करती है। विभिन्न प्रजातियों के फूलों से भरे रास्ते दिलों को लुभाते हैं। एक मनोरम दृश्य सा दिखता है यहाँ। औली हिल स्टेशन एरिया में खास आकर्षण की एक लंबी श्रृंखला है। खास आकर्षण में विष्णु प्रयाग, गोरसन बुगैल, हनुमान मंदिर, त्रिशूल पीक, नंदा देवी पीक, गुरसा बंग्याल, शैलधर तपोवन, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, पुरी पास, जोशी मठ, बद्रीनाथ, तपोवन, कृत्रिम झील, गुरु बंग्याल, छत्रकुंड, वानी बंग्याल, हॉट स्प्रिंग पॉइंट एवं चेनाब झील आदि इत्यादि। औली हिल स्टेशन की सुंदरता ही है कि वर्ष 2011 में औली हिल स्टेशन एवं देहरादून प्रथम दक्षिण एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी भी कर चुका है। यहाँ के मुख्य आकर्षण में देखें तो यहाँ का एक मुख्य आकर्षण है हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर अति प्राचीन कालीन है। किंवदंती है कि द्रोणागिरि पर्वत की यात्रा के दौरान हनुमान जी इस स्थान पर कुछ पलों के लिए रुके थे। यहाँ का एक अन्य आकर्षण है त्रिशूल पीक। त्रिशूल पीक यहाँ का मुख्य आकर्षण है। त्रिशूल पीक समुद्र तल से इलाके की शीर्षतम स्थान पर है। त्रिशूल पीक को विशेष चमत्कारी स्थान माना जाता है। यहाँ से औली का मोहक दृश्य नजर आता है। इसी के निकट रूपकुंड झील भी स्थित है। यहाँ की एक अन्य आकर्षण है कृत्रिम झील। कृत्रिम झील औली के सुंदर स्थानों में से एक है। इसे कृत्रिम बर्फ बनाने के मकसद से विकसित किया गया था। पर्यटक यहाँ स्कीइंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ का एक अन्य आकर्षण है, विशेष आकर्षण है नंदा देवी पीक। नंदा देवी पीक देश का सबसे ऊंचा पहाड़ कहा जाता है। नंदा देवी पीक समुद्र तल से 7,817 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नंदा देवी पीक गढ़वाल हिमालय पर्वत का एक हिस्सा है। यहाँ से औली सहित आसपास का विहंगम दृश्य दिखता है। यह इलाका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र से घिरा है। यह स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। इसके अलावा यहाँ का एक अन्य आकर्षण है गुरसा बंग्याल। गुरसा बंग्याल औली हिल स्टेशन से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वस्तुतः गुरसा घास का एक विशाल मैदान है। वसंत ऋतु में गुरसा बंग्याल की सुंदरता देखते ही बनती है। सर्दियों के दौरान बर्फबारी के कारण यह सफ़ेद नजर आता है। यहाँ का एक अन्य आकर्षण है चिनाब झील। चिनाब झील यह डांग गांव के पास स्थित है। चिनाब झील अपने खास सौंदर्य के लिए दुनिया भर में जानी पहचानी जाती है। यहाँ का एक अन्य आकर्षण है शैलधर तपोवन। जी हाँ, शैलधर तपोवन एक छोटे से गांव में स्थित है। यह औली से करीब 15 किलोमीटर दूर पर है। यह जोशी मठ के रास्ते में है। तपोवन गर्म पानी के स्प्रिंग से के लिए जाना जाता है। यहाँ ट्रैकिंग का पर्यटक भरपूर आनंद ले सकते हैं, मौज कर सकते हैं। ट्रैकिंग का भरपूर आनंद यहाँ पर्यटक ले सकते हैं और पर्यटक यहाँ इसका आनंद भरपूर लेते हैं। औली हिल स्टेशन एरिया बेहतरीन ट्रैकिंग सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध कराता है। औली के लोकप्रिय ट्रैकिंग ट्रेल्स में औली गोरसन करीब 7 किलोमीटर, गोरसन तली करीब 6 किलोमीटर, ताली कुड़ी पास करीब 11 किलोमीटर, कुड़ी पास खुलरिया करीब 12 किलोमीटर एवं खुलार तपोवन करीब 9 किलोमीटर की यात्रा है।
औली हिल स्टेशन की यात्रा के लिए सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं। निकटतम एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून में जाली ग्रांट एयरपोर्ट है। यह करीब 270 किलोमीटर दूर है औली से। निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार एवं ऋषिकेश है। औली हिल स्टेशन की ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से दूरी करीब 250 किलोमीटर है। औली हिल स्टेशन की यात्रा सड़क मार्ग से भी की जा सकती है। पर्यटक सड़क मार्ग से भी औली पहुंच सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।